Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, condition and suppositions. मैंने first video बना दिया है और today I am going to teach you about the condition and suppositions, the part 2. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, what is the condition and supposition? I have already taught you about this topic. बस आज हम दूसरा भाग उसका पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप अच्छी तरह से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था condition and supposition के sentences, आप वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और today I will teach you about the unless and as long as. Okay? तो शुरू करने से पहले देखते हो English video. Hey baby, what is your name? My name is Anjali. Do you know Dr. Ghosh's house? I don't know, but come with me. Come. Okay. Hey. I call you. Good evening, Ji. Good evening. What's the matter with you? I have lost the way. I am looking for the house for Dr. Ghosh. Do you know? Do you hail from Madras? Yes. How do you know? Well, your speaking English with a Madrasi accent gives the clue. Haven't you been here before? No. I have come here for the first time. Well, Dr. Ghosh lives over there. Turn to the left and then keep straight on his house. Is of the main road. Okay. Thank you very much. Welcome. Come. Unless. आपने unless सुना होगा, unless words. This is used as a prepositions. But unless का मतलब क्या होता है? Unless का मतलब जब तक. But ये negative भाव लिए होता है, जिसमें negative सेंटेंस शामिल होता है, उसमें नहीं नहीं होता है, फिर भी उसमें नेगेटिव होता है. अनलेस मतलब जब तक, मतलब जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता. ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता. या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे तब तक मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं और दो तरीके से बना भी सकते हैं. ठीक है, इसमें हम बिना अनलेस के भी बना सकते हैं और अनलेस के साथ भी बना सकते हैं, बट ज़्यादातर हम अनलेस यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बनाना शुरू करते हैं एक एक करके. अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता. अनलेस यू हेल्प मी आई कांट finish this work. Unless you help me, I can't finish this work. दूसरा तरीका क्या है कि अगर का इंग्लिश हम लिखेंगे तो if होगा. If you don't help me, I can't finish this work. हम इस तरीके से भी बना सकते हैं. If you don't help me, I can't finish this work. और दूसरा तरीका यह है कि अनलेस यू हेल्प मी आई कांट फिनिश दिस वर्क. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अनलेस हमने लगाया तो अनलेस लगाने के बाद हमने कहीं पर यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, बट अगर हम इफ का इस्तेमाल करते हैं तो इफ का इस्तेमाल करते वक्त हम नॉट का इस्तेमाल जरूर करेंगे. इफ यू डोंट हेल्प मी आई कांट फिनिश दिस वर्क. ठीक है फ्रेंड्स, अगर इफ का इस्तेमाल करके अगर बनाते हो इस सेंटेंस को तो उसमें नॉट लगाना पड़ेगा. अगर अनलेस का इस्तेमाल करके बनाते हो तो उसमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस में खुद इट इज इट सेल्फ अ नेगेटिव. ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा सेंटेंस है, जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा तब तक वह लाल किला नहीं देख सकेगा. तो अनलेस ही गोज टू दिल्ली He would not able to see Red Fort.
इसमें ने वुड 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 क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वो संभावना की बात है कि लाल किला नहीं देख सकेगा, मीन्स एबिलिटी की बात है कि नहीं देख पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए नॉट एबल टू लिखा है हमने। तो अनलेस ही गोज टू दिल्ली ही वुड नॉट एबल टू सी रेड फोर्ट। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहेंगे इफ लगाकर, कि इफ ही डजंट गो टू दिल्ली, यहाँ पर हम फिर प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस के हिसाब से बनाएंगे। अगर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं इफ लगाकर, तो इफ लगाकर अगर बनाते हैं तो ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस के हिसाब से बनेगा। अभी हम कुछ और सेंटेंसेस बनाकर और अच्छी तरह से समझते हैं। जब तक तुम ज्यादा अन्न नहीं उपजाओगे तुम धनी नहीं बन सकते। अनलेस यू ग्रो मोर फूड यू कांट बी रिच। बहुत इजी है फ्रेंड्स, सिर्फ समझना है कि अनलेस लगाओ, फिर उसके बाद सेंटेंस लिखो यू ग्रो मोर फूड यू कांट बी रिच। जो मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ वही सब सारे सेंटेंसेस है, बस इसमें अनलेस लगाना है। अगर अनलेस लगाकर नहीं बनाते हो आप, इफ लगाकर बनाते हो तो यहाँ पर प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस के हिसाब से बनेगा कि इफ यू डोंट ग्रो मोर फूड यू कांट बी रिच। ओके फ्रेंड्स, जब तक वे कठिन मेहनत नहीं करेंगे वे पास नहीं हो सकते। अनलेस दे वर्क हार्ड दे वोंट पास, ठीक है फ्रेंड्स, अनलेस दे वर्क हार्ड दे वोंट पास। अभी आप बोलेंगे कि यहां पास नहीं हो सकते, सकता सकती है, तो यहां पर आपने वोंट क्यों लगाया। फ्रेंड्स दिस इज द मीन्स हम इंग्लिश सेंस पर बोलते हैं, सेंस पर बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक्यूरेट मीन्स जो वर्ड बाय वर्ड ही हम इंग्लिश बनाए। हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ तो बदला नहीं है ना, अर्थ सेम है। हम लिख सकते हैं ही कांट पास भी लिख सकते हैं, ही वोंट पास भी लिख सकते हैं, वो पास नहीं होगा या पास नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अनलेस का इस्तेमाल। अभी हम एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल सीखेंगे। अभी इन सेंटेंसेस को लीजिए आप, कि जब तक होगा यहां पर, कि जब तक वह मेरे साथ है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक वह मेरे साथ है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें नेगेटिव नहीं है, अनलेस वाले में क्या था, नेगेटिव था कि जब तक तुम हार्ड मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, लेकिन इसमें पॉजिटिवली है कि जब तक वह मेरे साथ है मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें एज लॉन्ग एज लगा के लिखेंगे, एज लॉन्ग एज ही इज विथ मी आई डोंट नीड टू वरी। तो एज लॉन्ग एज ही इज विथ मी आई डोंट नीड टू वरी, सिंपल है फ्रेंड्स। सेंटेंस जैसा बोल रहा है वैसा बना दो, ये सब सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बट इसमें क्या है, जब तक है तो इसमें एज लॉन्ग एज लगा दो, बाकी सेंटेंस जैसा बोल रहा है वैसा वैसा का वैसा बना दो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी दूसरा सेंटेंस, जब मेरे पिताजी मेरे साथ रहे, जब तक, यहां पर भी मैंने तक नहीं लिखा, जब तक मेरे पिताजी मेरे साथ रहे मुझे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो एज लॉन्ग एज माई फादर वॉज विथ मी आई डिडंट हैव टू फेस डिफिकल्टीज, आई डिडंट हैव टू फेस डिफिकल्टीज, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये सारे सेंटेंस, जब तक पिताजी मेरे साथ रहे, तो एज लॉन्ग एज माई फादर वॉज विथ मी, यहाँ पर सिर्फ एज लॉन्ग एज लिया है आपके लिए, यहाँ पर सिर्फ एज लॉन्ग एज लिया है आपके लिए, बाकी माई फादर वॉज विथ मी ये सारी की सारी चीजें आप जानते हैं, आप मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आई डिडंट हैव टू फेस डिफिकल्टीज, ये जो है नहीं करना पड़ा, दिस इज सेंटेंस फ्रॉम द बेसिक, मैंने बेसिक में पढ़ाया था हैड टू वाला, तो वो सेंटेंस है। तो आप ये मत सोचना कि बिल्कुल ही नया है ये सब, ये कुछ भी नया नहीं है, मैंने बेसिक पढ़ाया है, एडवांस कोर्स पढ़ाया है, तो बेसिक और एडवांस कोर्स को लेकर फिर एक छोटा सा चीज जोड़ देते हैं, फिर उसे एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स बन जाता है, मीन्स एक नया बन जाता है,
सिर्फ इसमें आज लैंग जोड़ा तो ये नया सेंटेंस बन गया, बाकी सारा वही सब कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा, अनलेस कहाँ लगाना है और एज लॉन्ग एज लगाकर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।